अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में सब्जी पूरी और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है सब्जी पूरी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरी सब्जी चावल लगा हुआ है। आज हमारा 15 पूरी सब्जी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और मनोज जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंज फर्स्ट कौन आता है, कौन 15 रुपए की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ पूरी सब्जी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो योद्धा बैठे हुए हैं, एक तरफ है मनोज और एक तरफ है फूलचंद। तो देखना है कि यह थाली खाली करके 1500 रुपए का इनाम कौन लेकर जाता है, मनोज या फिर फूलचंद। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए और यहाँ पर टाइमर को गति दे दिया गया है और हमारे चैलेंजर इस समय चैलेंज को भी गति दे दिए हैं। तो देखना है कि ये लोग कितने मिनट कितने सेकंड पे इस थाली को खाली करते हैं और 1500 रुपए का नगद पुरस्कार लेकर जाते हैं और 15 पूरी सब्जी चावल कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और फूलचंद जी और सलाद इनके हाथ से छूट के भगा जा रहा है, सोच रहा है कि मैं इनके पेट के अंदर नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या कर जाएं। तो यहाँ पर देखते ही देखते दोनों लोग बहुत गजब हिम्मत लगा के साहस लगा के जुटे हुए हैं और मंजिल की ओर भगे जा रहे हैं। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुँचता कौन है और 1500 रुपये का इनाम लेता कौन है। और जिस तरह से सलाद भाग रहा है अगर उस तरह से पूरी भागेगी तो चैलेंज से पीछे रह जाएंगे। देख लो भैया भाग रही है और यहाँ पर पूरी पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है कि चलिए या तो आप खाएंगे या तो जीत कर जाएंगे, लेकिन हम भागते भागते नजर आएंगे। लेकिन एक एक पूरी को गिन गिन के खा रहे हैं दोनों लोग, बहुत गजब तरीके से इस समय साहस और हौसले का परिचय दे रहे हैं दोनों चैलेंजर। तो देखना है कि सबसे पहले बढ़त बनाता कौन है और जीत की तरफ भागता कौन है। नींबू को पूरी तरह से निचोड़ चुके हैं मनोज जी और उस निचोड़े हुए रस का आनंद ले रहे हैं सब्जी के साथ। बहुत गजब तरीके से दोनों लोग पूरी को एक बाई एक वन बाई वन ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो साहस लगाए हैं वो साहस बना करके रखेंगे तभी चैलेंज में विन कर पाएंगे, नहीं तो इनाम की राशि से बाहर हो जाएंगे, मेहनत बेकार चली जाएगी। मतलब और तो देखते ही देखते साहस बना के रखे हैं दोनों चैलेंजर। फूलचंद जी का एक्सल पावर लग चुका है और जब फूलचंद जी एक्सल पावर लगाते हैं तो शुरू से उठाते हैं तो अंत करके ही छोड़ते हैं। और यहाँ पर मनोज भी अपने फुल स्पीड में आ चुके हैं और इस स्पीड का देखिए क्या फ़ायदा उठाते हैं। मनोज फूलचंद पे भारी पड़ते हैं या फूलचंद मनोज के ऊपर भारी पड़ते हैं। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही पाएगा 1500 रुपये का नगद पुरस्कार। तो 1500 रुपये किसके जेब में जाएगा अभी पता चल जाएगा और देखते हैं कौन गर्दा गर्दा आज उड़ाता है, फूलचंद जी या मनोज जी। और जो भी गर्दा गर्दा उड़ाएगा वही 1500 रुपये राशि पाएगा। और यहाँ पर गर्दा मचाने के लिए दोनों चैलेंजर पूरी तरह से कमर कसकर बैठ चुके हैं, हिम्मत लगाकर बैठ चुके हैं, साहस लगाकर बैठ चुके हैं और यही हिम्मत और साहस इन लोगों को पूरी तरह से 1500 रुपये की ओर खींचता चला जा रहा है। जैसे ही जिसकी भी थाली सबसे पहले खाली होगी वही 1500 रुपये की तरफ चला जाएगा और पाएगा 1500 रुपये का नगद पुरस्कार। और एक ब्रेकर तोड़ने के बाद दूसरा ब्रेकर इनको फिर मिल जाएगा, मतलब 15 पूरी खाने के बाद चावल भी खाना है, उसके बाद इनाम की राशि पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर 15 पूरी चावल कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। और ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को देखना चालू कर दिए हैं ये चैलेंजर। 2 मिनट 45 सेकंड हुआ है और इन लोगों की पूरी खत्म होती नजर आ रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और देखते ही देखते लगभग दोनों लोग बराबर चल रहे हैं। फूलचंद जी थोड़ा सा बढ़त बना चुके हैं और यही बढ़त इनको जो है जीत की तरफ ले जाना मुनासिब समझेगा। तो मनोज जी थोड़ा सा स्पीड और लेकर चलेंगे और मनोज जी पीछे चल रहे हैं सिर्फ एक पूड़ी से मनोज जी पीछे चल रहे हैं। अगर उस एक पूड़ी को कवर नहीं कर पाएंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन चावल को हमको लग रहा है थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से एकदम जैसे भागना चाहिए था रेस में उसी तरह भाग रहे हैं दोनों चैलेंजर और बहुत गजब नज़ारा दिख रहा है इन लोगों का और यही नज़ारा एकदम आकर्षित करता है हमारे दर्शकों का। तो जिन दर्शकों के पास यह वीडियो पहली बार जा रहा हो तो उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी भेजिएगा, कहिएगा कि देखिए मनोज और फूलचंद कैसे खाते हैं। बहुत गजब तरीका से इस समय चैलेंज को स्वीकार किए हैं और ले जा रहे हैं मंजिल की ओर। और फूलचंद जी जो एक्सल पावर लगाए हैं यही से एक्सल पावर बरकरार रखेंगे तभी विन कर पाएंगे, क्योंकि मनोज जी जब एक्सल पावर में आएंगे तो हमको नहीं लग रहा है फूलचंद जी
पकड़ पाएंगे। और मनोज जी आ जाइए फुल स्पीड में, और अब फुल स्पीड की आवश्यकता है, अगर स्पीड नहीं लगाएंगे तो 100% पीछे रह जाएंगे। और इस समय गिलास रख दिए हैं फूलचंद जी मेज पर, और जैसे ही गिलास उठेगी तो समझ के चलिए इनका एक्सल पावर डबल हो जाएगा। और डबल एक्सल पावर जब हो जाता है फूलचंद जी का तो अच्छे अच्छे चैलेंजर पनाह मांगने लगते हैं। तो देखते हैं आज मनोज जी पीछा कर पाते हैं नहीं फूलचंद जी को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और मनोज की जो हिम्मत है, जो स्पीड है वो देखते बन रहा है, बहुत गजब की बाइट उठा रहे हैं। और यही बाइट की आवश्यकता है, थोड़ा सा और पहले से यही बाइट लेते तो हो सकता था फूलचंद जी बढ़त ना बना पाते, लेकिन देखते ही देखते फूलचंद जी काफ़ी हद तक का बढ़त बनाना चालू कर दिए हैं। 4:45 होने वाला है, और 4:45 में दोनों लोगों के प्लेट की पूरियां समाप्त। एक्सल पावर लगाते हैं क्या फूलचंद जी को पकड़ पाते हैं नहीं। बहुत मनोज जी कुछ इशारों में फूलचंद जी से कहना चाहे, लेकिन फूलचंद जी अपने टारगेट पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। भैया हेलो, पानी साइड में मत पीजिए भैया, नहीं पीजिए। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फूलचंद जी एकदम पूरी तरह से बढ़त बनाना चालू कर लिए हैं, और यहाँ पर मनोज जी भी गजब यार बहुत तगड़ी हाई वोल्टेज बाइट मार रहे हैं, और यही हाई वोल्टेज बाइट की जरूरत है। और यहाँ पर और पूरी तरह से एकदम रगड़म रगड़ाई करना चालू कर दिए हैं चावल और सब्जी का, गजब यार बुलडोजर बाइक का देखते हैं। और ये फूलचंद जी को छोटी मोटी बाइट, ये छोटी मोटी बाइट नहीं है, इसे जेसीबी या बुलडोजर बाइट कहा जा सकता है। पूरी तरह से बुलडोजर बाइट लगा दिए हैं, और फूलचंद जी लगा रहे हैं तो छोटी छोटी बाइट, लेकिन जो देखते हैं उस बुलडोजर बाइट का फूलचंद जी पीछा कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत गजब। और जिस तरह से करता करता उड़ाने वाले हैं फूलचंद जी का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। जो साहस बनाया है मनोज जी वही बरकरार रखेंगे तभी विन कर पाएंगे, बहुत गजब। और यहाँ पर मनोज जो नजारा दिखा रहे हैं वो बहुत गजब का नजारा दिखा रहे हैं, गजब यार। और देखते बन रहा है इस बाइट का, ये बाइट बहुत हैवी बाइट है, और इस बाइट का जवाब शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि जिस तरह करके हमको लग रहा है फूलचंद जी थोड़ा सा घबरा से गए हैं, मतलब पीछे रह गए हैं, सोच रहे हैं अब हम मनोज जी के साथ नहीं चल पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा स्लो इमोशन में लग रहे हैं। और पवन जी जैसे कि आप देखे होंगे जिस तरह से जेसीबी उखाड़ती है मिट्टी को पूरी तरह से, उसी तरह आज मनोज अपनी बाइट का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बाइट बहुत मायने रखता है इनके लिए, जीत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो हाई वोल्टेज बाइट मार रहे हैं तो उसके आगे फूलचंद की छोटी बाइटें पीछे पड़ती नजर आ रही हैं। हमको लग रहा है इसी वजह से थोड़ा सा पीछे पहले थे, सोच रहे थे फूलचंद जी जितना दौड़ना है दौड़ लें, उसके बाद हम हाई वोल्टेज वाइट लगाएंगे, उसके बाद नजारा दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, और पूरे टेबल को हिला दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश। और यहाँ पर देखते ही देखते लगभग लगभग मनोज जी काफी हद तक का बढ़त बनाना चालू कर लिए हैं, और फूलचंद जी थोड़ा सा पीछे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं मनोज जी और क्या कमाल करते हैं फूलचंद जी। फूलचंद जी को मनोज हरा देते हैं या मनोज को फूलचंद हरा देते हैं, क्या कमाल होता है, क्या नजारा दिखाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फूलचंद जी हाई वोल्टेज वाइट लगाएंगे तभी जीत पाएंगे, और जिस तरह से मतलब नॉर्मल स्पीड में अगर चलेंगे तो हमको नहीं लग रहा है मनोज जी से जीत पाएंगे। बहुत यहाँ पर बहुत गजब कि जो बाइट लगा रहे हैं मनोज जी, इस बाइट के आगे फूलचंद जी की बाइटें पीछे होती नजर आ रही हैं, और फूलचंद जी इधर उधर देखना चालू कर दिया, और थोड़ा सा जैसे टंकी भर जाती है तो थोड़ा स्पीड भी कम हो जाती है, तो फूलचंद जी की स्पीड लगभग लगभग कम होती नजर आ रही है, वो देखते बन रहा है, बहुत गजब का नजारा है। और ये नजारा वास्तव में मनोज को जीत की तरफ लेकर चला जा रहा है, और देखते ही देखते मनोज के पास मात्र 2 बाइट बचा है, जबकि फूलचंद जी के पास अभी काफी मात्रा में सब्जी और चावल दोनों बरकरार है। तो यहाँ पर मनोज जो नजारा दिखा रहे हैं वो बहुत गजब का नजारा है, और आज वास्तव में देखने को मिला है कि हाई वोल्टेज मतलब एक नई बाइट ने जन्म लिया है, बुलडोजर और जेसीबी बाइट। यहाँ पर बुलडोजर और आज मनोज जी इतने अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, और फर्स्ट टाइम जो फॉर्म लगाए हैं बहुत बढ़िया लगाए हैं, 8:32 बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। मनोज जी का धन्यवाद करते हैं, और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। फूलचंद जी आराम से खाते रहिए, क्योंकि आप सब्जी चावल और पूरी का आनंद लेने आए हैं, तो आनंद लेते रहिए। तो इनाम की राशि मनोज जी को कैश देते हैं। 15 पूरी सब्जी चावल ईटिंग चैलेंज में ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और मनोज जी जो किसी भी बाइक लगाए उसके आगे
फूलचंद जी चल नहीं पाए तो मनोज जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पूरी सब्जी और चावल खाने के इस चैलेंज में बहुत गजब का नजारा देखने को मिला है। और यहाँ पर आज एक नई बाइट जन्म ले लिया है, जेसीबी और बुलडोजर बाइट। और मनोज वास्तव में बहुत गजब तरीका से खाए हैं, और इनके आगे फूलचंद जी की जो बाइट है एकदम पूरी तरह से हवा में उड़ गई, पता ही नहीं चला। और ऐसा लग रहा था फूलचंद जी आगे बढ़त बनाए हैं और काफी ज्यादा चावल कम्प्लीट कर लिए थे। उसके बाद मनोज जी एक चावल पर आए, जो हौसला लगाए वो हौसला देखने लायक था। और आप लोगों को यह चैलेंज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फूलचंद जी क्या वजह रही कि आज आप काफी पीछे रह गए? अरे हम तो आगे चलते ही रहे थे, जहाँ भाई अब गेट से उठा तो मतलब जहाँ जेसीबी लग गई वहाँ फावड़े से काम नहीं चलेगा। फूलचंद जी जितना मतलब एक बाइट में पांच छह बाइट कर रहे थे, मनोज जी एक ही बाइट कर रहे, तो उसी हौसले की वजह से आज विन कर लिए हैं। तो मनोज जी का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।